FIR करवाइए, हमारे घर में पुलिस भेजिए, हम तो 24 घंटे इंतजार कर रहे हैं, मेरे सभी संगठन वाले इंतजार कर रहे हैं, मेरे सारे सनातनी योद्धा इंतजार कर रहे हैं कि हमारी माँ बापा पुलिस लेने आए और फिर हम बताएं कि हम क्या चीज है। तो ये जो गिद्दड़ भभकी है ना, मैं नहीं डरती कतई भी। मैं बता दूं, ऐसी मैंने पुलिस चौकी थाने बहुत देखे हुए हैं। तो एपी सिंह को अब लग रहा है कि मैं क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं, बस आके वो बोल देते हैं कि वो हो रही है तैयारी, अब हो जाएगा, अब फिर देखा जाएगा, अब पुलिस आएगी। उनको मतलब पहले एपी सिंह साहब अच्छे से थूक सटक लो, ठीक, जब अच्छे से संतुष्टि हो जाए ना तो हम पे कार्रवाई कर देना, हम नहीं डरते तुम्हारी कार्रवाई से। और रही बात तुम्हारी बहन की, तुम कह रहे हो सारे आतंकवादी हैं, और वो छिनार क्या है जो तारों के नीचे से निकल के आई, वो कुछ नहीं है, वो तुम्हारी बहन है। पाकिस्तान है, सबका फोन चेक कराया जाए, तुम्हारा, तुम्हारी बहन का, तुम्हारे जीजे का फोन बिल्कुल सेफ रख दिया जाए। और वो बंगाल सर्कल कह रहा है किसी को पिकअप करने की जरूरत नहीं है, तो ही पिकअप ना करे, मैं अकेले ही बहुत हूं, छची ना। अरे क्या भैया, बस मुझसे ना ही बुलवाओ तो मेरा, मुझे बहुत गुस्सा आता है इनकी शक्ल देखकर। मुझे लगता है ना ये पागल हो जाएंगे कुछ अरसे के बाद ना, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आत्महत्या ना करें, पागल ना हो, मुझे कोई वीजा दिलवाए, मैं किसी और काम के लिए नहीं आता, मैं तेरे को वहां गिरफ्तारी देने के लिए आता हूँ, एपी सिंह की मोहब्बत में गिरफ्तार होना चाहता हूँ, मुझे वहां गिरफ्तार कर ले, मैं तो ये चाहता हूँ मुझे कोई गिरफ्तार कर ले ताकि इसको सुकून से नींद आ जाए। हर वक्त हर के लिए गिरफ्तारी 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 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। अरे हम तो कहते हैं करवाओ ना, ये इसलिए बोलते हैं कि इनको जब वो वीडियो भेजते ना बहन के पास, तो वीडियो बहन वीडियो सुनती है, कोई मेरे प्यारे भैया, कोई देखो डॉक्टर एपी सिंह हमारे भैया ने, देखो हमारे कितना करते हैं, जिस दिन मैं अपनी आई पे आ गई तू रघुपुरा में नहीं दिखेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, तेरा भाई आ जाए, तेरा बाप आ जाए, तेरा कोई भी आ जाए, तेरे बालों से घसीट कर अगर तुझे बॉर्डर पे ना छोड़ के आऊ तो कहना। इन्होंने गंद मार रखा, गंद भाई बहनों ने गंद। ये कभी आज तक मैंने जब से एपी सिंह भाई मेरे संपर्क में आए ना, मैंने आज तक इनको कभी अच्छा बोलते, अच्छे किसी के लिए काम करते मैंने नहीं सुना, आज तक नहीं सुना, आज तक ना देखा ना सुना। मैं कहती हूं एपी सिंह साहब FIR कराओ, तो अपने सामने मुझे थाने में बुलाओ, आप वहां बैठे हो SHO के पास, फिर मैं वहां पर आऊंगी, आमने सामने बात होगी। सर अगर सच में है ना, आप करना चाहते हो ना, तो यही करना, और अपनी बहन को लेकर आना साथ में। मतलब एक पाकिस्तान से आई हुई गैर तरीके से महिला, वो सही है और हम गलत है, है ना, हम भारत के लोग गलत है, हम सनातनी गलत है। वो सनातनी बन गई, सनातनी बन गई, सनातनी बन गई, कैसे बन गई वो सनातनी, मुझे समझाओ। अब मुझे लगता है कि मुझे ना अपने बच्चों को लेकर एक दिन मैं ऑफिस जाऊंगी सर के पास, कि प्लीज मैं परिभाषा सनातनी की पूछने आई हूं, तो सर हमें बताइए वो सनातनी कैसे हो गई, 900 चूहे खाके बिल्ली हज को चली, गौ माता पूरे पाकिस्तान की खा गई, और तुम्हारे लिए वो सनातनी हो गई, वो कैसे गई, मैं भी पूछना चाहती हूँ। नमस्ते अनिता मैम, प्रणाम। तो उसमें सनातनी होने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या चीज जरूरी है, या मतलब कह दिया तो सनातनी हो जाता अभी? देखिए भैया, पहली बात तो सनातनी होने के लिए, सनातनी जो सनातनी होते हैं ना, वो जन्म जात से सनातनी, ठीक है, कोई पैदा होने के बाद टैग नहीं लगता। मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ वो सनातनी पैदा होगा, वो सिख नहीं पैदा होगा, वो ईसाई नहीं पैदा होगा, वो मुसलमान नहीं पैदा होगा, वो सनातनी ही पैदा होगा। और भारत में पैदा हुआ हर एक, मैं कहती कहीं भी रहता है, फॉरेन कंट्री में रहते हैं, हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं, तो भाई सनातनी है, हिंदू है। ये मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इनका झंडा बताऊं, इनका झंडा ये है कि हिंदू मुसलमान कराई जाए,
आपने परसों देखा इसका, मैं कल भी चिल्लाई थी हमारे भारत के लोगों को कि कहां मर गए तुम लोग सब, जो मौलाना मौलवी हो इतना इतना चिल्लाते हो, तुम्हें रघुपुरा का रास्ता भूल गया है क्या ये साले कटुए है मुसलमान, तो तू एक कटुआ तो तू साथ लेकर आई है, हैदर को वापस भेज इसको, और उसी कटुए के नीचे से चार तुम्हें बच्चे पैदा किए, तेरा भाई भी वही था, तेरा बाप भी वही था, तेरी बहन के घर वाले भी वही है, तो रंडी तू क्या कर रही है, तू धक्का मार और कटुए को बाहर निकाल, चल वो तो कटुए पर तेरे चार बच्चे पैदा कर लिए, जिसकी पूरी है उससे एक बच्चा पैदा करके निकाल दे, कर रहा इसकी तो नहीं कटी हुई, कर इससे बच्चा पैदा, तेरे में दम है तो सालो पाउडर ला ला के तुम रखते हो खाने के लिए ताकत बनाते हो, तुमसे एक साल में बच्चा होने वाला कुछ कबली आएगी, हाँ डॉक्टर जी मेरे डॉक्टर भाई मेरे मामा बनने वाले, मैं मामा बनने वाला हूँ, चूचक लेके जाऊंगा, चूचक लेके आऊंगा, चूचक दिलाऊंगा मेरी बहन, बच्चे नहीं छू ही रह गया, चूचक पूरा हुआ ही नहीं, छू ही रह गया, सारा होता होता गगा होता गगी होती वो भी बच्चा दे देते, सर एक साल दो महीने हो गया मैं चूते बच्चा आ रहा बच्चा कुछ कबली चूते इतने बजाऊ तेरे, ये हराम की जदी कुत्ते की बच्ची ने एक साल दो महीने मीडिया वालों को बेवकूफ बनाकर कहा, मैं पता था इसको कुछ नहीं होने वाला, एक नंबर की चिनार गंदी किस्म की औरत है, लोग आते लोग मिलने नहीं आते, लोग पाकिस्तान की वैश्या को देखने आते हैं कि भाई कहीं दो तो नहीं लगे तेरे, दो दो चीजें तो नहीं लगी, इसलिए आते लोग मिलने, और लोग तुझे देखने तेरे से कुछ नहीं होते आते। एक सवाल ये कि आपने जैसे बात की मुस्लिम्स के हवाले से, तो हमें जो बताया जाता है पता चलता है यूपी में सबसे ज्यादा मुस्लिम आ रहे थे, तो कभी आपने उनको झंझोड़ने की कोशिश नहीं की, कभी किसी कांटेक्ट किया कि भाई हम हिंदू हो के हम तो आवाज उठा रहे तुम कहां मर गए, वहां के लोग जो उसके आस पास पड़ोस में रहते होंगे उनसे कभी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, आपने बताने की कोशिश की हो? सबको पता कि ये नहीं कि मुसलमानों को नहीं पता, यहाँ के 50 मुसलमान फाइट दे चुके हैं, अगर मेरे सामने में आपको भेजूंगे एक मौलाना साहब है वो पार्टी इसके लिए गंदी दे चुके हैं, क्या हमको नहीं दिखता क्या मर गए रघुपुरा चले जाए, ये रघुपुरा खड़ा जा नहीं सकते, मुस्लिम समाज वैसे तो बड़े भौंकते हैं, हम कुछ कहते तो आग लग जाती इन लोगों को, सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, अब करो ना अपनी बहन का सर से तन जुदा है जो तुम्हें कटुए कटुए करके बोल रही है, जिसको अपनी मान मर्यादा नहीं है, जिसको शर्म नहीं है बिल्कुल भी, शर्म बेच के खा गई है, सिर्फ और सिर्फ ये कटुए फुल्ले गंदे फुल्लों की पोर्टफोलियो सिर्फ और सिर्फ ये हिंदुओं को खुश करने की कोशिश कर रही, अच्छा कि किसी तरह से मैं हिंदुओं को खुश कर दूं, हमें रत्ती भर फरकना पड़ता है, तू जो मर्जी कर ले तेरे को जूते मार के भगाएंगे, तू देख खुला के मेरे हाथ आई नहीं ना कोर्ट, अगर आई भी होगी तो कहीं छुप के बैठ गई होगी, मैं तो पूरे इंतजाम के साथ गई थी, मैंने तो देखो भाई मैं जो कहती हूँ मैं करके दिखाती, अगर मैंने करा है तो मैं कहती हूँ, मेरे को चार चार बातें फेंकने की आदत नहीं है, मैंने सबको दिखाया मैं इंतजाम के साथ गई थी, आई नहीं आएगी नहीं आए कभी नहीं आएगी, ये जब इसका भाई लाएगा ना, इसका भाई इसको जेल भेज के सांस लेगा, ये किसी भरम में घूम रही ना, हाँ इसी में शायद फोटो वोट, ये किसी भरम बहुत जल्दी टूटेगा, एपी सिंह का पूरा प्लान है, उसके पूरे जाल में फंसी हुई है, उसको खुद ही नहीं मालूम चल रहा है, मालूम है लेकिन वो नौटंकी बहुत दिखा रही है, जानबूझ के वो ना हरकतें ऐसी दिखा रही है, और मालूम है शाही जी शुरू में ना जब लास्ट ईयर था तो ओवैसी साहब है हमारे यहाँ के, ओवैसी साहब से एक इंटरव्यू में पूछा गया था सीमा के बारे में, उन्होंने टाल मटोल कर दिया था, मतलब उनको ये था कि हमको सीमा को हम जानते ही नहीं है, और ये मतलब ये मुद्दा गवर्नमेंट का है, ये गवर्नमेंट संभाले, जबकि हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करी थी ओवैसी साहब से कि आप इस पे आप लोग की कम्युनिटी आप लोग की पूरी जो मुस्लिम कम्युनिटी इस पे आवाज उठाइए, आप लोग जाइए गवर्नमेंट से बात करिए, योगी जी से बात करिए, टाल दिया था उन लोगों ने, मतलब बिल्कुल अभी तक के आज की डेट में भी उन्होंने टाला हुआ है, तो कोई भी फॉरवर्ड आने ही नहीं चाहता है, सॉरी टू से मुस्लिम कम्युनिटी इग्नोर कर रहा है, टोटल इग्नोर किया है,
नहीं मसला ये एपी सिंह साहब के पीछे कोई ऐसी कोई पावरफुल हस्ती हो सकता है, इसी वजह से वो डर रहे हो मुस्लिम भी। मे बी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप कहती है कोई बात हो जाती है तो आप सबके तो पीछे पड़ जाते हैं मुस्लिम भी, इस मामले में क्यों बात आपकी बातों से भी यहाँ आगे बढ़ी हुई। यही तो मैं जानना चाहती हूँ ना कि अब तुम क्यों चुप हो भाई, अब क्यों चुप हो, यही तो मैं जानना चाहती हूँ। कोई ऐसी सीन नहीं है कि मुसलमान एपी सिंह से डरते हैं, अरे जिंदगी में ना डरे एपी सिंह से, एपी सिंह कोई प्राइम मिनिस्टर इससे डरेंगे, कोई कोई ना डरता इससे। एपी सिंह ने लास्ट ईयर बहुत डराया है आसमा, लास्ट ईयर एपी सिंह ने जितनी हदी करनी थी, जितनी आफत करनी थी, इसने पूरे तांडव किया है, तांडव पूरा तांडव किया। आपको मालूम है मोमिन सर हम लोग का अब एक, हम तो ये कहते हैं मतलब एक अमृत बन के आए हुए हैं, अगर वो अमृत हम लोग के लिए समझ लीजिए बिल्कुल डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, हर बात का सामना कर रहे हैं, हर बात का। तो ऑल थैंक्स टू मोमिन एंड चाहेगी तो वैसे आपको भी थैंक्स, आप ना होते तो मोमिन सर नहीं आते। तो ये कहते हैं आप ना होते तो आप इतना बड़ा विरोध ना हो रहा होता, आप सभी हैं जब भी तो ये बात बनी हुई है, वरना आपको खुद पता है कि अदालतों में केस जरूर चल रहा होता, लेकिन उसका इस तरह खलबली ना मची होती जैसा आज खलबली मची हुई है। ये बात है, हम लोग ना होते, हाँ हम लोग ना होते तो हम लोग ने समझ लिया इस केस को जिंदा रखा है, हम लोग ने इस केस को जिंदा रखा है। फयाज भाई एक बात बताओ मुझे, आपकी जो सरकार है, आपकी आपकी गवर्नमेंट ने कोई लेटर लिखा, कोई लेटर हमारे प्रधानमंत्री के नाम, राष्ट्रपति के नाम कोई लेटर भेजा कि हमारी महिला चार बच्चों से आपके भारत में आई है उसे रिटर्न किया जाए, कोई ऐसी हुई बात? देखिए आपके मुल्क से भी हमारे मुल्क से भी रोजाना दर्जनों लोग मुल्क से बाहर इलीगल जाते हैं, अपने मुल्क से तो कानूनी जाते हैं लेकिन जिस कंट्री जाते हैं वहां इलीगल इंटर होते हैं, आपको पता है। पाकिस्तान से वो लीगल गई है, पाकिस्तान से वो इलीगल नहीं गई है, ये सब जानते हैं। कानूनी तौर पर उसने नेपाल का वीजा लिया, यहाँ से वो गई। अब इशू ये है कि यहाँ पे अगर कोई वांटेड होती, वो मतलब कोई क्राइम किया होता वांटेड होती, तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं से प्रेशर बनता, गवर्नमेंट उसको वापस लाती। अब गुलाम हैदर ने जितनी भी शोर मचाया, जितनी बातें की वो सोशल मीडिया के जरिए की है, लेकिन उससे हुकूमत नहीं जागी, मतलब हुकूमत का ये कसूर है, हुकूमत के अपने अपने सिटीजन के बच्चों के ऊपर बात करनी चाहिए थी। ये मतलब डिप्लोमेटिक तरीके से मसला दो दिन में हल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मोदी जी पत्थर दे ले या योगी जी पत्थर दे ले, वो कभी बात ना सुनते, वो जरूर बात सुनते, इतना टालते नहीं, हमें ये इस बात का इल्म है। इशू दूसरा जो है, जो लीगल कानूनी रूप से के चिल्ड्रन प्रोटेक्शन के हवाले से जो कानूनी चीजें होनी थी, वो चूंकि इकबाल जुनेजो साहबा देखती है अंसार बन्नी साहब के मतलब ऑर्डर्स के बाद, तो उन्होंने काफी काम इस तरह किया है कि जो हमारी जो चिल्ड्रन प्रोटेक्शन के डिपार्टमेंट है उनको लेटर्स लिखे, उनको पूरा केस एक बना के दिया जो कि गवर्नमेंट को भेजा गया, गवर्नमेंट ने अपने हाई कमीशन दिल्ली भेजा हुआ है, अब वहां से कोऑर्डिनेशन चल रही है। मतलब ये भी मोहम्मद मलिक साहब के बाद ये अभी एक डेढ़ महीने में पेशरफ्त हुई है। बात वही है कि इंडिया में इलीगल वहां एंट्री हुई है, FIR वहां हुई हुई है, जो एक्शन लेना है यानी कि डिपोर्ट करना है या उसको सजा देनी है, वो कानूनी तौर पर चाहे दुनिया के या लोकली आप कानून देख लें, वो इंडिया के ऊपर ज्यादा है, वो उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है कि उन्होंने एक्शन लेना है, बाकी किसी ने कोई वो नहीं करना कि मतलब पाकिस्तान उसको सजा दिलवा दे, पाकिस्तान उसको वापस बुला ले, पाकिस्तान के हाथ में नहीं है, वो यूपी गवर्नमेंट के हाथ में, वो इंडियन स्टेट के इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है, बिल्कुल जनमन। बाकी जो गवर्नमेंट को गुलाम हैदर के आंसू पे एक्शन लेना चाहिए था, कम से कम बात करनी चाहिए थी, उन्होंने बात नहीं की, ये गैर इंसानी सलूक है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का गुलाम हैदर के साथ। चार देखिए, गुलाम हैदर के आंसुओं का पाकिस्तान की गवर्नमेंट को थोड़ा सा तो दुख होना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया, और रही हमारी बात, इलेक्शन हो गया, 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, जुलाई अगस्त में आपको कोई ना कोई, मेरे को जो बोला गया था पहले से कि इलेक्शन हो जाने दो, मैं आपको कहती थी ना 6-7 महीने रुक जाओ, 6-7 महीने रुक जाओ, उन्होंने मुझे जुलाई अगस्त तक बोला था कि जुलाई अगस्त में इसका कुछ होगा, तो कोई बात नहीं, 4 तारीख को रिजल्ट निकल आएगा, रह तो गया जून जुलाई, कोई बात नहीं, जहां 1 साल 2 महीने हमने वेट की है वहां पर 1 महीना और सही, ठीक है ना। तो ये मान के चलो कि हर मंत्री, हर संतरी, हर बंदे की निगाह में ये केस है,
और ये जो लोगों के साथ जो जो कर रही है ना कि तुम्हारी भाभी तुम्हारी भौजाई, इतनी घटिया, इतनी नीच, इतनी उल्टा, मतलब मैंने जिस्म बेचने वाली जो जो शर्याम जिस्म बेचती है ना उनको भी इतनी बेगैरत तरीके से नहीं देखा जितनी ये गंदी हमारे भारत में गंदी रान में तो कहूंगी जो आ गई है, इतनी घटिया महिला आ गई है जो ये कार्य कर रही। बस इसका क्या है, इसको कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो इसके लट पर जाए, और ये हरकतें कर रही है। अब सुनने में आया है इसके घर की सिक्योरिटी हट गई है, इलेक्शन होगा इसकी सिक्योरिटी हट गई है, हटी नहीं है उससे मतलब कि जिसका दिमाग फिरेगा वो सिक्योरिटी में भी कुछ कर दे। दिमाग सड़कने की बात होती है, जब सम्मान पर बात आ जाए ना तो इंसान कुछ नहीं देखता, मरना जीना ये तो उस ऊपर वाले के हाथ में है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जिस दिन दिमाग सटक जाएगा ना किसी का तो इसका सुपड़ा साफ हो जाएगा, मैं बता रही हूँ। सारा जेल क्यों ना हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई टेंशन नहीं है, पर इसको सबक सिखाएंगे। जिस दिन भी दिमाग सटक गया, और इसकी जुबान जो चलती ना इतनी गंदी, इसकी जुबान काट कर इसकी तली पे ना मैंने रख दी तो मेरा नाम आस्था मान, ये इतनी घटिया महिला। अस्मा जी देखिये, पाकिस्तान की जो बार बार ये बातें करती है, अगर किसी पड़ोस में हमारे हिंदू रहते हैं, उनके घर में भजन बज रहा है या कोई ऐसी इबादत का टाइम है, तो बराबर में अगर कोई मुस्लिम रहता ना तो वो कभी म्यूजिक नहीं बजाएगा, कभी कोई गैर इखलाकी इस तरह की हरकत नहीं करेगा जिसमें हिंदुओं को तकलीफ होगी। और इसी तरह कोई रोजा है या कोई नमाज का टाइम है तो हिंदू भी इसी तरह ख्याल रखते हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं। इस औरत ने कुछ इस तरह की चीजें की है जैसे ये परसेप्शन है लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश की है कि ये देखें हिंदू जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में खुश है बल्कि बहुत ज्यादा उनकी जिंदगी बिताएंगे, इससे पर सिर्फ घटिया और फजूल बातें। मतलब ठीक है, वक्त के हिसाब से आबादी कहीं बढ़ती भी है, कहीं कम भी होती है, कहीं ज्यादा होती है, ये चीजें होती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं। मैं बार बार इस बात का तस्करा करता हूँ, मैं वीडियो प्रूफ दे सकता हूँ, मैंने कुछ लोग ला के बिठाए भी है कि सबसे ज्यादा अगर मतलब बिजनेस पे ट्रस्ट करते हैं तो वो मुसलमान हिंदू के ऊपर ज्यादा करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा जहाँ एक दूसरे के साथ करीब रिलेशन है। तो ये फजूल बातें करती है, लोगों को सिर्फ भड़काने की कोशिश करती है। इसको हमें जूते पहननी चाहिए थे गवर्नमेंट की तरफ से कम इसको जो सोशल मीडिया पे ना आती तो मेरा निकाल के लोग इतना भड़कते जितना इसकी बातों से भड़कते हैं। जो काम गवर्नमेंट को चाहिए था करते, या सिंगल एक एसएचओ कर सकता था, वो मोहम्मद मलिक साहब को अपने जूते रगड़ रगड़ के करना पड़ रहा है, वरना मोहम्मद मलिक साहब का ये काम भी नहीं था जो उनको करना पड़ रहा है। काफी ऐसे काम है, काफी ऐसे काम थे जो मतलब हमारी गवर्नमेंट को देखना था, मतलब जांच पड़ताल करनी थी, जो मोमिन सर को करनी पड़ी। ये बात तो हम इस पे बात तो करेंगे, मोमिन साहब ने जितना करा है ना वो वाकई में बहुत तारीफ काबिल, और उनके मुकाबले में कोई कर भी नहीं सकता। एपी सिंह ने जितना रायता फैला रखा था ना, वो रायता समेटने में बहुत टाइम लगा है, उसने फुल फ्लेश रायता बिल्कुल फैला रखा था कि कुछ भी हो जाएगा, कोई ना यहाँ से वकील आएगा, ना कुछ कोई एजेंसी ध्यान देगी, ना कुछ। पिछले साल उसने जो तांडव मचाया था एपी सिंह ने, पूरे लोग हम लोग परेशान थे, पूरे लोग परेशान थे। मोमिन सर ना होते हैं ना, अभी भी मैं कह रही हूँ, मोमिन सर अभी भी जिस तरह से फेस कर रहे हैं ना, अभी भी इट्स नॉट वेरी इजी फॉर हिम। मोमिन सर के लिए अभी भी चीजें इट्स नॉट वेरी इजी, जितना हम लोग सोच रहे अपने घरों में बैठ के। वो तो उन्हीं का दिमाग, उन्हीं का ट्रॉमा, उनको ही मालूम होगा क्या क्या फेस करना पड़ रहा उनको। तो नथिंग इज इजी ऑन द प्लेटर, बट इजी नहीं है कुछ भी प्लेट में जो सर्व हो रहा है। तो हम सारे हिंदुस्तानियों को, हम सबको वर्ल्ड वाइड भी, वर्ल्ड वाइड के भी लोगों को समझना होगा, सब चीजें तय करनी होंगी। आपस में झगड़ने से लड़ने से कोई फायदा नहीं है, और जो अपनी बरबोलापना करते हैं उससे भी थोड़ा बचना है सबको, सबको एक साथ लेके सबको चलना है। हेलो पारुल, हेलो 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 सबको, नमस्ते, कैसे ठीक है? बस ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम सुपर। हमारे साथ मीना साहब, आप बताइए, आपको विचार रखे हैं, लोग ने आपको भी देखते हैं सुनते हैं और मजीद जानना चाहते हैं, आज की बातों से आपको क्या लगा, मजीद क्या चाहती है, किस तरह होगा? भाईजान, पहले तो मेरा सोच ये है कि जो महिला पाकिस्तान से जब एंट्री की हमारे भारत में, तो उसका फुल प्लानिंग था, जितना था फुल प्लानिंग था उसका आने का हमारे भारत में।
और अभी 4 बच्चे के लिए हम लोग सारे आप पाकिस्तान के यूट्यूबर लगे हो,